सीधी जिले की एक ऐसी कामधेनु गाय जो बिना बच्चा दिए ही पिछले 5.5 साल से दे रही है दूध, लोग इसे मान रहे हैं भगवान का चमत्कार। सीधी जिले में एक ऐसी गाय सामने आई है जो बिना बच्चा दिए ही पिछले 5.5 वर्ष से दूध दे रही है। हालांकि लोग इसे भगवान के चमत्कार से जोड़कर देख रहे हैं तथा यह भी कह रहे हैं यह कामधेनु गाय है। विदित हो कि सीधी जिले के जनपद पंचायत सिहावल अंतर्गत ग्राम डमक में एक ऐसी कामधेनु गाय है जो पिछले 5.5 वर्ष से बिना बच्चा दिए ही सुबह शाम 4 से 5 लीटर दूध दे रही है एवं उसकी उम्र अभी 7 वर्ष है। जब वह 18 माह की थी तब से उसने दूध देना शुरू कर दिया था। गाय के पालक आशुतोष तिवारी जो डमक निवासी हैं कृषि विस्तार अधिकारी से सेवानिवृत्त हुए हैं। वे गाय पालने के काफ़ी शौकीन हैं। उन्होंने बताया कि गाय का जन्म से ही काफ़ी अलग स्वभाव था। जब वह 18 माह की थी तब मार्च 2019 में इसकी बाल अचानक मोटी हो गई। मुझे ऐसा आभास हुआ कि हो सकता है कि इसकी बाल में दूध आ गया हो। मैंने जाकर देखा तो इसकी बाल काफ़ी मोटी हो गई थी और उसमें दूध आ गया था। मैंने इसे लगाना शुरू कर दिया तथा तब से लेकर और अब तक यह गाय दूध दे रही है। उन्होंने यह भी बताया कि यह साहीवाल नस्ल की गाय है। आशुतोष तिवारी गाय पालने के काफ़ी शौकीन हैं। उन्होंने बताया कि मेरे पास 3 गाय है, 1 देसी व 2 साहीवाल। सामान्य गायों की तरह यह चारा भूसा भी खाती है। हमने उसके डाइट के लिए अलग से कुछ नहीं रखा है। बाहरी व्यक्तियों को यह अपने पास देखना पसंद नहीं करती है और घर के व्यक्तियों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं करती है। घर के लोग प्यार से उसे कपिला कहते हैं। तिवारी ने बताया कि उसके दूध में अब तक कोई बदलाव नहीं आया है। जैसी मिठास पहले थी वैसी अब भी है। इसके दूध से हम सेवई, मिठाई, चाय व अन्य खाने पीने की सामग्रियां बनाते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पशु सर्जन डॉक्टर श्रवण पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ गायों में हार्मोन्स ज़्यादा विकसित हो जाने की वजह से ऑटोमेटिक दूध देना शुरू कर देती हैं, लेकिन औसतन गाय 1 साल या 1.5 साल के बाद लगना बंद कर देती हैं। लेकिन यह पिछले 5.5 वर्ष से दूध दे रही है और उसके स्वाद में भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। वहीं पशु चिकित्सा विभाग के उपसंचालक डॉक्टर एसके सिंह ने इस संबंध में बताया कि गाय के अंदर ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स विकसित हो गया है और वह लगातार बना रहता है, जिसकी वजह से गाय दूध देना शुरू कर देती है और वह अब तक दे रही है। हालांकि गाय के दूध में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर गाय का दूध खराब होता तो वह पकने पर निश्चित ही फट जाता, इसलिए गाय के दूध का उपयोग किया जा सकता है। वहीं इस कामधेनु गाय के बारे में हम सीधे बातचीत करते हैं गाय के पालक आशुतोष तिवारी से। उनका इस विषय पर क्या कहना है? जी, हमारे यहाँ एक गाय है, साहीवाल है। वो दरअसल 7 साल की अब वर्तमान में हो चुकी होगी और 18 महीने से वो मतलब दूध देने लगी थी। हुआ क्या, दूध देने की प्रक्रिया क्या हुई कि वो पिताजी हमारे उसकी बहुत सेवा करते थे, बचिया थी तो ज़्यादा उसका प्यार दुलार था। तो उसके थनों बालों में कुछ छोटी छोटी जो किलनी नहीं होती वो लगी थी, उसको निकाल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि इनकी बालें मोटी हैं तो वो उसको दबाए तो उसमें दूध जैसा निकला। फिर हमसे बोले कि उसमें तो दूध निकल रहा है। तो हमने कहा ठीक है, मोटी बाल है, हो सकता है कोई मतलब इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको निकालिए। धीरे धीरे वो रूटीन बन गया। सवेरे ज़रूर दूध निकालते थे तो शुरू में जैसे मान लिए 1 कप 2 कप निकाले और उसको उसी के उसमें डाल दिया करते थे। फिर धीरे धीरे उसका दूध बढ़ने लगा और अब लगभग अब समझें आप कि कम से कम 1 किलो दूध हो एक बार में रेगुलर दे देती है। मतलब वो दूध उसका हुआ थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही रहा और अब वर्तमान में अब देख ही रहे हैं आपके सामने हमने लगाया। अच्छा। और कभी जनी नहीं कि मतलब बच्चा हुआ, कभी नहीं। वो बता तो रहे हैं उसको इतनी एलर्जी है कि यदि आप आ जाएं या कोई सीमेन वाला आ जाए तो सांकर तोड़ के बाहर चली जाए, वो देख नहीं सकती अदर पर्सन को। हाँ, 2-3 दिन आप हमारे घर में रहिए तो वो समझ जाएगी, तो आप उसके फिर चाहे पीठ में लेटते रहिए। उसको इतनी एलर्जी है कि अदर पर्सन कभी आ जाएगा तो चाहे कितनी मस्त देख तो रहे हैं कितनी हैवी गाय। खाती क्या है? खाद्य हो गया, सामान्य दे नहीं पाते हम कुछ, हरा चारा तो हो नहीं पाता, देख तो रहे हैं। वही जो हमारे सार में रखा है भूसा और पुलाव काट वोट के रखते हैं वही देते हैं, थोड़ा बहुत ये जो जैसे लगाते समय
बाकी नहीं लगाते समय, जैसे मान लीजिए कोई ये पिसान उसान हुआ जो कुछ हुआ तो उसे मिला देते हैं तो खा लेते हैं। और ज़्यादा हम लोग इस देते भी नहीं इसलिए इसलिए कि दूध उसके रेशियो में तो अभी दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा। और ज़्यादा हैवी शरीर हो जाएगा तो ठीक नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा उसको मतलब पौष्टिक आहार नहीं देते। यदि उसको पौष्टिक आहार मिले तो हो सकता है उसका दूध और भी बढ़ सकता है। नाम क्या रखें? नाम उसको कपिला पुपिला कहते हैं घर में। उसकी माँ भी है? हाँ, बस वो बगल में जो थी ना उसकी माँ ही है वो। अच्छा। हाँ, वो भी दूध देती है? हाँ हाँ बिल्कुल देती है। अभी उसका जो बछड़ा सामने ने देखे होंगे आप, वो उसका बछिया है। अब हम समझें आपकी एक तो वही SF है जो बगल में है, उसी उसी की मतलब ये है बछिया, और वही बछिया है, और एक तो और बगल में है वो कॉमन है, सामान्य है। तीन गाय? हाँ, तीन गाय हैं। ठीक है। आपका शुभ नाम? हमारा नाम आशुतोष कुमार तिवारी। क्या करते थे? हम कृषि विकसार अधिकारी थे। कहाँ पर? सिहावल में थे। कौन सा गांव है आपका? ये हमारा गांव डमक है।